अभी बाहर का मंजर कुछ ऐसा हुआ पड़ा है, टन टन बारिश हुए जा रही है। आप देख रहे हैं हार्डी के बैग्स भरे हैं और सारी चीज़ें हमने लोड कर दी हैं। और जो मैंने भी आपको दिखाया, रन डाउन दिया है कैरावैन का। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं हमजा खान और आप लोग देख रहे हैं सैर सपाटा। और इस हफ्ते की जो एपिसोड है वो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि हमारे यहाँ यूके में हॉलीडेज बच्चों की स्टार्ट हो गई हैं, तो हमने सोचा कि कहीं जाया जाए, कुछ किया जाए, घूमा जाए, फेरा जाए, कुछ सैर सपाटा किया जाए। तो हम जो हैं वो कल सुबह इंशाल्लाह निकलेंगे कॉर्नवाल के लिए। तो बस अभी तैयारी चल रही है, रात का टाइम है और कल सुबह मैंने अर्ली मॉर्निंग निकलना है। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कहूँगा, 8 बजे निकलना है, लेकिन हमने तैयारी अपनी पूरी कर ली है, क्योंकि जब फैमिली बड़ी हो, मतलब हम वी आर सिक्स इन द फैमिली, तो अफरा तफरी में जो है ना अक्सर और बेचता इंसान चीज़ें भूल जाता है और हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइज होकर चलें और अपनी लिस्ट बनाएं, उसको फॉलो करें। तो सारा सामान हमने जो है वो अभी रात में ही लोड अप कर देना है और चले जाना है। तो चलें वो स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह फिर जिस तरह हम चलते जाएंगे आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करते जाएंगे। अभी बाहर का मंज़र कुछ ऐसा हुआ पड़ा है, टन टन बारिश हुए जा रही है नॉन स्टॉप और हवा चल रही है बहुत शदीद। पूरा दिन तो बड़ा अच्छा वेदर था, लेकिन उसके बाद फिर अभी पता नहीं क्या हुआ और खौफनाक किस्म का वेदर हो गया। तो गाड़ी मेरी फुल लोड हो गई है टनाटन। आप देख रहे हैं हार्डी के बैग्स भरे हुए हैं और सारी चीज़ें हमने लोड कर दी हैं और बस वी आर इंशाल्लाह रेडी टू गो। सब सेट है, हमने दिन में ही जो है वो सारा फ्यूल वगैरह और हवा वगैरह चेक करवा ली थी, सब कुछ रेडी कर लिया था। तो अब ये है कि बस सुबह उठेंगे, तैयारी पकड़ेंगे और निकल लेंगे। तो जर्नी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे, स्टे ट्यून्ड इंशाल्लाह। मॉर्निंग जी, हमारा तैयारी का मरहला जो था वो रात को ख़त्म हो गया। बड़ी लेट तक मेरी बेचारी बेगम ने जो है वो मेहनत करके सारी चीज़ें, मतलब जो खाने पकाना करना था वो उन्होंने करके सारा पैक वैक किया। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें मैंने आपको दिखाई दिया था जो लोड की। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर और बस अब निकलने की तैयारी है, नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद फिर इतनी देर में बच्चे तैयार हो रहे हैं, वो आएंगे, नाश्ता करेंगे और हम निकल जाएंगे। प्लान हमारे ये है कि हम 8 बजे यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि अगर आप उस पर देखेंगे गूगल के ऊपर तो आपको बताएगा कि तकरीबन 5 घंटे सवा 5 घंटे की ड्राइव है। लेकिन क्योंकि हम बच्चों के साथ जाते हैं और आपको पता है हमारी जो है वो है कि जी रुकते रुकाते जाना है, क्योंकि बच्चों को टॉयलेट्स वगैरह भी यूज़ करने होते हैं, मुझे कुछ भी शायद यूज़ करना पड़े तो जाए, ऑब्वियसली रुकना तो पड़ता है। तो नॉर्मली आपकी 5 घंटे की जो ड्राइव होती है ना, वो मर मर के भी 6 घंटे की तो हो जाती है। तो बस इंशाल्लाह ये है कि निकलने ही करते हैं और आज बस प्लान यही है कि यहाँ से निकलेंगे बखैर आफिया से घूम से ड्राइव करते हुए जो है वो हम कॉर्नवॉल पहुँचेंगे और चेक इन करेंगे और फिर आपको कैरावैन दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड और लेट्स गो। जी हम लोग जो है वो अभी 3 घंटे का हमारा रास्ता बाकी है, लेकिन वही मैंने आपको कहा था कि रुकते रुकाते हम जाते हैं। तो मैं इस वक्त जो हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं सर्विसेज है रोड शेफ वालों की, यहाँ रुके हैं, यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान नाश्ता करने का सोच रहे हैं। तो अभी बच्चे फिलहाल पहले टॉयलेट गए, वो के आ जाए तो उसके बाद फिर मैं कुछ जाके नाश्ते का सामान लेकर आऊँगा। सर्विसेज फिर मैं आपको अंदर से भी एक झलक दिखाता हूँ कि कैसी है। चले चलते हैं सर्विसेज के अंदर और देखते हैं क्या है, भूख लग रही है। मैकडॉनल्ड्स में तो लगा हुआ बड़ा खानदानी किस्म का रश, लेकिन खाना तो पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा, भूख लग रही है भाई। कुछ ना कुछ बुराई जरूर होने हो जाती है कभी ना कभी, और प्रिंटर फेल हो गया लेकिन हमें नंबर पता है। और बस अब उठाते हैं और फिर निकलते हैं, फिर कॉस्टा साथ में है तो वहाँ से कॉफ़ियाँ ले लेंगे। काफ़ी बिजी है, सुबह का 10 बज रहे हैं अलग है, लेकिन बड़ा बिजी है भाई आज।
बस मैकडोनल्ड से अपना नाश्ता उठाने के बाद हमने यहाँ ड्राइव थ्रू कोस्टा से अपनी उठाई हैं कॉफ़ीज़, और उसके बाद फिर हमारा वही प्लान है जो पहले प्लान था, हम करेंगे आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू। बहुत ही खूबसूरत दिन था। हमने M5 से एग्ज़िट करके हम A30 पर चढ़ गए थे, और A30 के बाद फिर हम फॉलो करते रहे। बहुत ही सीनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल हमारी ये जर्नी थी उसके बाद। रॉक टर्न ले लिया और हम गलत रोड पे चल गए। अब हम बीच में जंगल में से निकाल के लेकर आ रहे हैं ये, तो अब हम फॉलो किए जा रहे हैं जो इसकी ट्रेल है, और देखते हैं कहाँ लेके जा रहा है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, हम कहीं ना कहीं जरूर निकलेंगे। यूके में ही है हम फिर भी, ठीक है। तो चले इसी को फॉलो करते हैं अभी इस ट्रेल को। बस फिर उसके बाद हम लोग जो है वो रोड फॉलो करते रहे, जंगल के थ्रू निकलते रहे। सिर्फ परेशानी ये थी कि शाम ढलती जा रही थी और अंधेरे का टाइम आता जा रहा था, और हम अभी भी जंगल के बीच में ही थे। और दूसरा मसला ये था कि वो हमें रीकैलकुलेट नहीं कर रहा था हमारे रूट को, क्योंकि कनेक्शन भी नहीं आ रहा था वहाँ पर कोई, तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थी। हमने बस कंटिन्यू किया रोड को जब तक कि हम मेन रोड एक शायद A3279 या 3297 था वहाँ पर आए, तो उसके बाद फिर उसने हमें दोबारा से हमारे डेस्टिनेशन का रास्ता कैलकुलेट करके और फिर हमें उसने सही रास्ते पर डाला। ये हमारी कोई जर्नी तकरीबन एक घंटे की ड्राइव एक्स्ट्रा जंगल के थ्रू थी। राइट गाइज, हम आ गए हमारे कैरावैन में, और ये है हमारा कैरावैन। इसको चेक करते हैं, इसकी लाइट्स सही, ये है इसकी लाइट यहाँ पे। सो ये है हमारा लिविंग रूम फॉर द नेक्स्ट 4-5 डेज। फुली फिटेड किचन भी है, पानी भी टैप रनिंग है, धड़ाधड़ गर्म पानी, ठंडा पानी, केटल है, कॉफ़ी है, आपके पास कटलरी का सामान भी है, और प्लेट्स वगैरह भी साथ हैं, ग्लासेस हैं, कप्स हैं, टीवी है, कनेक्टेड है, और उसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा स्टूल्स भी हैं यहाँ पर, और ये आपकी जो है वो हीटिंग है। इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ज़्यादा हाई नहीं करते, बस लो ही रखते हैं इसको, क्योंकि हमें ज़्यादा हीटिंग का शौक है नहीं। बहुत साफ़ सुथरा सा है अभी तक तो जो नज़र आ रहा है। ये है खुली हुई, इसको कर दें बंद, और हाय। उसके अलावा मैं दिखाता हूँ आपको बेडरूम्स। ये आपका एक है फ्रिज, माइक्रोवेव, ये आपके पास स्टोरेज है, कोई अपने ग्रीन जायंट स्वीट कॉर्न छोड़ गया यहाँ पे। इसके अलावा आपके पास आ जाएगा ये बाथरूम, और ये आपका शावर सामने, स्टैंडिंग यूनिट। आपके पास एक रूम है, ये तीन बेडरूम है, तो एक आपके पास रूम ये है जिसमें डबल बेड लगा हुआ है, स्टोरेज, मिरर, हाय। उसके बाद फिर दूसरा जो है आगे बढ़ें तो आपके लेफ्ट पे नंबर 2 है, ये सेम चीज़ अगेन, दो बेड, और ये जो है ये तीसरा बेडरूम है। दिस इज़ प्रोबेबली सिंगल रूम, डबल रूम, आई डोंट नो, मतलब ये बड़ा रूम है, यहाँ का मास्टर रूम यही है, और जो है ये मिरर भी लगे हुए हैं इसमें। आपको साथ में हेयर ड्रायर वगैरह भी दिया हुआ है आपको जो है इन्होंने। बाकी यहाँ पे दराजें, एक्स्ट्रा पिलो, और ये कुछ आई थिंक अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से डायरेक्टली स्विच ऑफ हो जाएगा, तो ऐसा फ्यूज़ का सा समझ लें। और ये जो है बाहर का व्यू आपको भी नज़र नहीं आएगा, सुबह दिखाऊंगा। एक्स्ट्रा सफाई का सामान, बॉयलर, पॉट्स वगैरह भी साथ में हैं। जी तो ये है ओवरऑल कैरावैन जो मैंने भी आपको दिखाया, रन डाउन दिया है कैरावैन का। बहुत ज़बरदस्त है। मैंने बुक किया है 4 नाइट्स और 5 डेज के लिए,
और जो है मुझे जो मिला है ये हेवन वालों का है बाय द वे। ये मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में, मैं इसका आपको वो दूंगा पोस्ट कोड। और मुझे मैंने इसको पे किया £116 फॉर 4 नाइट्स एंड 5 डेज, £116। तो इट वॉज अ बार्गेन डेफिनेटली, और इट्स अ मस्ट विजिट, ज़रूर चेक करें। मैं तो ये कहूँगा गेट अवे है, बड़ा ब्यूटीफुल सा गेट अवे है, इतनी खूबसूरत जगह कॉर्नवाल में। तो या चलें कि वेबसाइट अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे, ये इनका पोस्ट कोड TR60AQ, आप अगर इनकी जाएंगे वेबसाइट के ऊपर तो ये आपको सारी पिक्चर्स वगैरह इसके अराउंड सराउंडिंग ऐसी ही है एग्जैक्टली, ये कोई बनावटी नहीं है। इनके पास जो है डिफरेंट डिफरेंट किस्म के जो है वो पैकेजेस होते हैं, वो आप चूज़ कर सकते हैं। कैरावैन हैं इनके पास, ग्लैम्पिंग का सीन है इनके पास, बीच हाउसेज होते हैं और शेलिट्स होते हैं। हमने लिया था ये ऑप्शन जो कैरावैन वाला था, इसके अंदर आप जाएंगे तो इसके अंदर आपके पास एक सेवर है, 2 या 3 बेडरूम वाले आप चूज़ कर सकते हैं कैरावैन। आपके पास ब्रॉन्ज है जो मेरा वाला था, उसके अलावा सिल्वर होता है और गोल्ड होता है। इसके अंदर थोड़ी सी सर्विसेज डिफरेंट होती हैं, मतलब आपको बाहर जो है इस किस्म का टेरेस सा मिल जाता है जिसमें आप बैठ सकते हैं, आपकी कुर्सी टेबल लगा होता है। समर्स के लिए वो ज़्यादा अच्छा है, तो चूँकि बारिश हो रही थी मौसम इतना अच्छा नहीं था, ज़बरदस्त नहीं था, हवा चल रही थी, तो हमने ब्रॉन्ज को चूज़ किया था कि एक तो पैसे भी बच जाए और ऊपर से हम टेरेस को ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते थे। तो हमारे पास 3 बेडरूम थे, हम लोग 6 गेस्ट थे, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में अभी दिखा दी हैं। तो ये इसका सीन है, बाकी आपको जो भी पसंद हो आप सबसे एंड में नीचे जाएं बुक नाउ, और यहाँ पे जब आप बुक नाउ पे प्रेस करेंगे तो उसके बाद की बाकी ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगी, आप उसको कस्टमाइज़ करके और देख सकते हैं। मैंने £116 पे किए थे 4 नाइट्स, और फ्राइडे मॉर्निंग 10 बजे हमारा चेकआउट था, मंडे 3 बजे हमने दोपहर में चेक इन किया था। तो ये है इसका सीन, चलें आगे बढ़ते हैं। मैं आ गया हूँ अपने बेड पे और बस सारी चीज़ें लोड कर दी हैं, कैरावैन आपको दिखा दी है, सामान मैं सारा निकाल के मैंने बच्चियों ने और हमने अपने जगहों पर रख दिया है, और अब बिल्कुल जो है ना फोर्थ होने वाली हालत हो रही है। तो अब सोते हैं और इंशाल्लाह फिर आपसे जो है सुबह मुलाकात होगी, तो मैं आपको कैरावैन बाहर से भी दिखाऊँगा और थोड़ा सा अराउंड इस एरिया के ज़रूर दिखाऊँगा मैं आपको पैरेंट पोल और ख़ास तौर से कैरावैन। तो थैंक यू, सुबह मिलते हैं, गुड नाइट।